हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब मजे में होंगे। तो मैं अपने 7th क्लास का पूरा सिलेबस कवर करूंगा अपने वीडियोस में। और आज का जो प्रोवर्ब है, डोंट लुक फॉर अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, तो इसका मीनिंग है दान के बदिया के दांत नहीं देखे जाते। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है या फिर कुछ भी देता है तो आप उसकी बुराई मत कीजिए। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला वो है साइंस, वेदर, क्लाइमेट एंड एनिमल अडॉप्टेशन। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वेदर। वेदर इंक्लूड्स द करंट एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड रेन रेनफॉल। तो जो वेदर होता है वो अभी जो कंडीशन है उसको बताता है। क्लाइमेट जो आने वाली जैसे समर विंटर, वो पूरे 30 मीन्स महीने जो होते हैं वो पूरे दिन समर होगी तो गर्मी रहेगी, लेकिन वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। तो वेदर ह्यूमिडिटी हो सकती है, कभी विंड हो सकता है और रेनफॉल भी हो सकती है। तो ये वेदर है जो कभी भी चेंज हो सकता है। तो टेम्परेचर ड्यू टू द डिफरेंट इन द फैक्टर सच एज एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, नेचर, सॉइल एंड स्नो। तो टेम्परेचर क्या है? जो हम कहीं भी जाते हैं तो अगर हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो वहां पर ज्यादा ठंड होती है, तो ऐसे टेम्परेचर चेंज होता है। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो आप देखते हैं हिल स्टेशन वगैरह, तो वहां पर गर्मी होती है, लेकिन हम अगर बीचेस सॉरी ठंडी होती है, लेकिन अगर हम बीचेस पे वगैरह जाते हैं तो वहां पर गर्मी होती है। तो बीचेस के पास क्या होता है? लो एल्टीट्यूड होता है और हिल स्टेशन के पास हाई एल्टीट्यूड होता है, इसलिए टेम्परेचर चेंज होता है। तो अब विंड, देर आर डिफरेंट वाटर बॉडीज एंड लैंडफॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, दे अब्सॉर्ब द रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एट डिफरेंट रेट्स, इट प्रोड्यूस अ मूवमेंट ऑफ एयर, दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। तो जो अर्थ की सर्फेस पे वाटर बॉडीज है और लैंडफॉर्म है बहुत सारे, तो वो अब्सॉर्ब करती है और रिफ्लेक्ट क्या करती है, सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करती है वो, लेकिन वो एक तरह नहीं, पानी ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है और लैंडफॉर्म कम रिफ्लेक्ट करते होंगे, तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से एयर मूव होती है, उसे विंड कहते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो अब ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो हवा में जितना भी भाप है वो उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और अब रेनफॉल, रिलेटिवली ह्यूमिडिटी ऑफ एन एरिया कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द चांसेस ऑफ रेनफॉल इन दैट एरिया व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स इन अ रीजन ऑफ सैचुरेटेड एयर रेनफॉल अकर। तो रेनफॉल कहाँ पर अकर होती है? जहां पर लो टेम्परेचर होता है वहां पर रेनफॉल अकर होती है। तो इस सब को काउंट करने वाले मींस जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है और एक बार दिखा देता हूँ। तो पहले ये थर्मामीटर है जो हम टेम्परेचर काउंट कर सकते हैं, और ये है एनेमोमीटर जिससे हम हवा की स्पीड और उसकी डायरेक्शन काउंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो भी है और यहाँ पर वो स्पीड काउंट करने वाला भी। तो अब ये है हाइग्रोमीटर जिससे हम ह्यूमिडिटी काउंट कर सकते हैं, और ये है रेन गेज जिससे हम पानी कितना गिरा है उसकी लेवल काउंट कर सकते हैं। तो अब क्लाइमेट, द वेदर कंडीशन इन एन एरिया और अ रीजन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज द क्लाइमेट। तो जो वेदर होता है वो किसी जगह पर ज्यादा टाइम तक रहता है तो उसे क्लाइमेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी जगह पर हम जाते हैं तो वहां पर ठंडी होती है, तो वो वहां का वेदर क्या है? ठंडा है। और क्लाइमेट कैसा है? वहां का ठंडा है। तो अब क्लाइमेट समझ में आ गया, एक जगह पर ज्यादा टाइम तक वेदर जो रहता है वो क्लाइमेट होता है। तो क्लाइमेट ऑफ अर्थ, द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी हेल्ड इन द अर्थ सिस्टम आर द
two factors to determine the climate of the sun of the earth sorry surface of the earth. तो ये जो दो चीजें हैं वो अर्थ का क्लाइमेट डिसाइड करती है. हेल्ड इन द अर्थ सिस्टम मीन्स जो अर्थ के अंदर जो भी तापमान होता है उसके हिसाब से, और जो सन रेज के द्वारा रिसीव करता है अर्थ, सन जो हमें देता है उसके द्वारा अर्थ को क्लाइमेट मिलता है. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सन. द अर्थ रिसीव अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट from the sun owing to the distance between the sun and earth. तो earth का जो distance है वो means ऐसा distance है जिससे हमें जो heat मिलती है वो moderate मिलती है. हम ज्यादा पास भी नहीं है और ज्यादा दूर भी नहीं. अगर पास होते तो हम रह नहीं पाते, ozone layer होती तो भी हम नहीं रह पाते, और दूर होते तो हमें heat नहीं मिलती. Sunrise and sunset. Sunrise and sunset determine the length of day. तो sunrise और sunset day की length को बताते हैं. Means अगर sun आया तो हमें पता चलता है day है. अगर sun नहीं आया sun set हो गया तो day खत्म होता है. तो वो length की जानकारी देते हैं. Climate and adaptation. Climate has special feature that enable organisms to survive in their habitat are called adaptation. तो जो क्लाइमेट होता है वो वहां पर ही रह सकता है. अगर जो राजस्थान के लोग होते हैं वो गर्म क्लाइमेट में ही रहते हैं, तो अगर वो कश्मीर जाएंगे तो उनकी या फिर तबीयत खराब हो सकती है. तो वो उनका हैबिटेट जोन में रहना आता है, तो वो बचपन से ही गर्म जगह में रहते हैं तो इसलिए उन्हें गर्मी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ठंडी से प्रॉब्लम होती है. तो इसलिए सबको अपने अपने हैबिटेट जोन में ही रहना आता है. तो आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बेल आइकन को भी